नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, PGCIL का जो स्किल टेस्ट है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, है ना। तो उसी के सिनेरियो में आज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे, कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको लेकर के आपको साथ में जाना है स्किल टेस्ट देने के लिए, क्योंकि DV और ट्रेड दोनों एक ही साथ होने वाला है, है ना। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई कमी पाया गया ना, तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको आउट कर दिया जाएगा, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी, है ना। और देखिए आज हम प्रोसेस देखते हैं कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है अपना, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जिसको लेकर के जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आई होप कि आज का जो हमारा सेशन किस टॉपिक पर होने वाला है, ये आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है दोस्तों, उससे पहले एक और बात आती है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट के लिए, है ना, ट्रेड टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर आने वाला है, अगर जिनका आ गया है, है ना, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं कॉल लेटर आया है, आपके पर्सनल जो ईमेल आईडी होता है उस पर इसी प्रकार का देख लीजिए, है ना, एक फॉर्मेट है, फोटोकॉपी है, इसी प्रकार का एक कॉल लेटर आएगा, ठीक है, जिसमें जिससे रेफरेंस नंबर, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी, ये सब कुछ लिखा होगा, जिसमें आपका वेरिफिकेशन कब होना है, है ना, आपका स्किल टेस्ट टाइम और कहाँ पर होना है, कौन से स्टेशन में होना है, ये सब कुछ आपका यहाँ पर लिखा रहेगा, है ना। इसी प्रकार का आपका कॉल लेटर आने वाला है। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है, उसके लिए कौन कौन से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी दस्तावेज हैं, वो लेकर के आपको जाना होगा। उसके लिए सुनिए, देखिए ये रहे, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि प्लीज साइन द अटेंडेंस शीट अपॉन अराइव ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑफ द डे ऑफ द ट्रेड टेस्ट। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट होगा वो और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एक ही साथ होना है, है ना। और दूसरा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट शैल बी डन एज पर द सीरियल नंबर इन द अटेंडेंस शीट। यानी कि जब आप वहाँ पर जाएंगे और एक सीट रहेगा, है ना, अटेंडेंस के लिए, उस में जैसे जैसे आपका अटेंडेंस लिया जाएगा, जैसे जैसे आपका वहाँ पर, जैसे कि आपको, आप वहाँ पर जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर एक रजिस्टर होगा जिसमें नाम लिखना होगा, और जिस सीरियल में बच्चे वहाँ पर नाम लिखेंगे उसी सीरियल में, है ना, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बात कही गई है, इसको ध्यान से सुनना आप, कि प्लीज़ अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में आपको अपना डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है और अरेंज करके लेकर के जाना है। पहला डॉक्यूमेंट्स देखिए क्या है आपका, पहला डॉक्यूमेंट्स है कि पर्सनल रिज्यूम हैंड फिल्ड। यानी कि आपका एक पर्सनल रिज्यूम होना चाहिए, बकायदा हाथ से भरा हुआ होना चाहिए, अलोंग विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेरेशन, ठीक है, ये पहला आपका दस्तावेज हो गया। दूसरा है कि ऑनलाइन रिज्यूम, है ना, ये ऑनलाइन रिज्यूम कहाँ पर मिलेगा आपको, जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, है ना, यानी कि ऑनलाइन आपको एक रिज्यूम लेकर के जाना है और एक ऑफलाइन रिज्यूम लेकर के जाना है। और तीसरा, कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर निकाला गया है, है ना, PGCIL की तरफ से, वो कॉल लेटर का फोटोकॉपी आपको ले करके जाना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉपी ऑफ आइडेंटिफाई प्रूफ, आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगी, DL का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, और पासपोर्ट भी चलेगा। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको आपके पास ऐसा हो जो प्रूफ के तौर पे काम कर सकता है, या ना आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पे काम कर सकता है, उसको भी आप लेकर के जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र हो तो भी चलेगा, 10th का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, है ना। अगला है कि कॉपी ऑफ 10+2 सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास 12वीं का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन एप्लीकेबल, यानी कि 12वीं का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको भी आपको लेकर के जाना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पहले टाइम पे क्या होता था कि 12वीं हो या 10वीं हो, एक सर्टिफिकेट आता है और दूसरा मार्कशीट आती है ना, मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट है ये एक साथ नहीं आते थे,
है ना। लेकिन अब के टाइम पे क्या हो रहा है कि अब के टाइम पे एक साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट, देखिए आपके पास जो 10वीं का मार्कशीट है या फिर जो 12वीं का मार्कशीट है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि एक में ही, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ में ही है ना। तो आपके पास वैसा सर्टिफिकेट एक ही होगा, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का हो। मेरा जो है वो सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। फिर अगला है आपका कॉपी ऑफ आईटीआई सर्टिफिकेट मार्कशीट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखना, जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है, पहला तो आपको फाइनल ईयर का लेकर के जाना है ना, फाइनल ईयर वाला, ठीक है, फाइनल ईयर वाला आपको लेकर के जाना है। और साथ में अगर आपने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिया होगा तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम का, या और इसके अलावा अगर ईयर वाइज आपने एग्ज़ाम दिया होगा। पहले क्या होता था, सेमेस्टर वाइज आईटीआई का एग्ज़ाम होता था, है ना। तो सेमेस्टर वाइज अगर आपके पास रिजल्ट है तो सेमेस्टर वाइज का भी लेकर के जाना है। अगर ईयर वाइज आपने दिया होगा, आज के टाइम पे ईयर वाइज हो रहा है, तो ईयर वाइज वाला आपको लेकर के जाना है अपना मार्कशीट, और जो फाइनल ईयर में सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसको भी लेकर के जाना है। तो आईटीआई का सर्टिफिकेट सब कुछ ले जाना है, एनटीसी वगैरह सब कुछ लेकर के जाना है ना। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि प्लस एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसके पास एससीबीटी का आईटीआई है उसके पास एनटीसी नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया अगला क्वालिफिकेशन। अगला आपके पास क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन। क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन जो है, इसको दोस्तों मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन क्या होता है, कि ये एक घोषणा पत्र होता है, ये एक घोषणा पत्र होता है जहां पर सब कुछ, ये समझिए आप अपने आप को सर्टिफाइड कर रहे हैं, है ना। उसमें अपना नाम गाम सब कुछ, मेरे पास फॉर्मेट है मैं उसको दिखाऊंगा, नाम गाम सब कुछ वहां पर लिखना होता है। और अब देखिए जैसे कि एसएससी वगैरह होते हैं, वहां पर तो जो डिक्लेरेशन क्वालिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनका सिग्नेचर भी लगता है, गैजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनका सिग्नेचर भी लगता है, ठीक ना, जो क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं, जिसको हम अराजपत्रित अधिकारी कहते हैं, वो गैजेटेड ऑफिसर के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आपका तहसीलदार हो गए, मजिस्ट्रेट हो गया, है ना। और इसके अलावा जो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, हाई सेकेंडरी स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका भी सिग्नेचर वहां पर चलता है। अब इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो आपको किसी के पास जाकर के सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको वो दिखाई देता हूँ कि वो फॉर्मेट है मेरे पास, है ना। ये देखिए, ये है डिक्लेरेशन कैंडिडेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। कैसे कैसे इसको भरना है ना, मैं आपको बताऊंगा इसको, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। अभी देखिए हम बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ही, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है कॉपी ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट एंड ओबीसी एनसीएल डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेबल। यानी कि जो कॉपी होता है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, सबसे दिक्कत किस कास्ट को आता है, ओबीसी एनसीएल वालों को। ओबीसी एनसीएल को रिजर्वेशन मिलता है, तो यहां पर जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होगा वो किस स्तर का होगा, वो सेंट्रल लेवल का, वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, है ना। स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो स्टेट में रिजर्वेशन में आती हैं और सेंट्रल में जाकर के वो अनरिजर्व में आ जाती हैं, है ना। इसलिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और साथ में जो पीजीसीएल का एक फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट को भी आपको हाथ से भर करके लेकर के जाना होगा, हाथ से भर के लेकर के जाना होगा, और ऑनलाइन वाला भी लेकर के जाना होगा, ठीक है ना। और सेंट्रल लेवल का चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, है ना, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। ये तो ओबीसी के लिए हो गया। और मैं यहीं पर अगर बात करूं एसटी एससी वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे लेकर के जाना है, तो एसटी एससी जो होता है, इनका जो आय प्रमाण पत्र होता है, ये हर साल इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है ना, हर साल इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। बाकी इनमें ऐसा सेंट्रल स्टेट लेवल का कुछ नहीं देखा जाता, इनको स्टेट में भी रिजर्वेशन मिलता है और सेंट्रल में भी रिजर्वेशन मिलती है, एसटी और एससी वालों को, है ना। तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट और आय जाति निवास, है ना, तीनों सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर हम ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस वालों को क्या करना है कि उनको भी सेंट्रल लेवल लेकर के जाना है,
है ना। और उनका जो होता है हर साल उनका भी रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी कि 8 लाख से कम आय जिसका है उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को क्या करना पड़ता है कि हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। जैसे कि आपका ये 2024 चल रहा है, 2021 2022 और 23 का जितना इनकम रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बनने वाला है सर्टिफिकेट, है ना, ईडब्ल्यूएस वालों का। और जिस साल आपका बन रहा है उस साल से लेकर के अगले नेक्स्ट ईयर तक, है ना, एक साल तक उसका वैलिड रहता है, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सब का मैंने बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट। अब आपको पता कैसे चलेगा सर कि ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये सेंट्रल लेवल का है, है ना, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा कि आपको पता कैसे लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर है ना, ये कास्ट सर्टिफिकेट का ही यहाँ पर एक फॉर्मेट है मेरे पास। ये देखिए, आप इसमें लिखा है ओएम नंबर, है ना, ओएम नंबर 36012/2293, फिर लिखा है ESTT SCT, है ना। अगर ओएम नंबर लिखा हुआ है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में तो आप समझ जाइएगा बिल्कुल ये सेंट्रल लेवल का है। किस लेवल का है ये आपका सेंट्रल लेवल का है ना, तो ऐसे आपको पहचान करना है अपना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, PWBD वालों के लिए बता दिया, एक्स सर्विस मैन के लिए बता दिया, है ना, और झारखंड के जो डोमिसाइल हैं उनके लिए, इन सभी को अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक। फिर है एनी अदर क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट, मैं तो कहूँगा अगर आपने जब इसका फॉर्म भर रहा था आपने भरा तो ITI के बेस पर फॉर्म अगर भरा होगा और वहाँ पर मेंशन हाई क्वालिफिकेशन को नहीं किया होगा ना, तो आपको लेकर के नहीं जाना है। अगर एक्सपीरियंस है, अगर अप्रेंटिसशिप है तो वो एक अलग मैटर है, उसको लेकर के जाना है, प्रमोशन के टाइम पे काम आ सकता है। लेकिन अगर एनी डिग्री है तो आपको नहीं लेकर के जाना है, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर एनी डिग्री एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी लेकर के जाइए, ये बोल रहा है विभाग। फिर कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना, इफ़ एनी, यदि आपके पास हो तो लेकर के जाइए। फिर है NOC का सर्टिफिकेट, है ना, इसके बाद बोला जा रहा है जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उस समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग ट्रेड टेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट, है ना, ये है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों अरेंज करके ले जाना है, और ध्यान रखिएगा सब के सब ओरिजिनल हार्ड कॉपी होने चाहिए, और दो सेट आपको सेल्फ अटैच करके जाना होगा, यानी कि दो सेट आपको जीरोक्स ले जाना होगा उसका फोटो कॉपी करा के, और साथ में कलर फोटो ले जाइए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कलर फोटो एक ले जाएं दो ले जाएं, अरे भाई 10-12 ले जाओ, जितना लगेगा उतना लगा देना, है ना। एक छोटे से फोटो की वजह से आपका ये DV नहीं खराब होना चाहिए, स्किल टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए, इसलिए फोटो आपको जितना ले जाना है लेकर के जाइए, और दो सेट आपको जीरोक्स लेकर के जाना है, और सबका ओरिजिनल जो है ये सर्टिफिकेट लेकर के जाना है ना। इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करिए, और अरेंज करने के बाद आपको DV के लिए निकल जाना है एक दिन पहले ही, ठीक है ना, ये बात है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, कैसे कैसे आपको DV वेरिफिकेशन कराना है, और हमारे साथ जुड़िए आप, हम आपको डेली एक क्लास देंगे, है ना, मैं कोशिश करूँगा एक से अधिक क्लास भी दूँ ट्रेड टेस्ट पर, कि इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में वो आपसे क्या क्या सवाल कर सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, है ना। तो कंप्लीट सेशन को देखने और सुनने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ट्रेड टेस्ट के लिए जो हम वीडियो आपको देने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।